Welcome, dear students. Today I'm gonna teach you some vocabulary. So let's get ready to learn some vocabulary. आज मैं आपको कुछ vocabulary सिखाने वाला हूँ, जो vocabulary roads और इसके प्रकार से related होगी. So let's get ready. मेरा पहला word है round about. Round about. What it means? It means जब आप एक road पे चल रहे होते हैं तो वहां पे गोल चक्कर होता है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं राउंड अबाउट. इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मींस एक चौराहा. जब आप किसी रोड के अंत में पहुंचते हैं, वहां पे चार रोड एक तरफ आती हैं, तो उसको हम चौराहा बोलते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? चौराहा. माय नेक्स्ट वर्ड इज freeway, freeway, freeway का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपको कोई टोल नहीं देना पड़ता, यानी रोड टैक्स जो आपको नहीं देना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं freeway. Subway, subway, subway होता है जो एक रास्ता एक पुल के नीचे से निकल के जाता है, जिसे हम अंडरपास भी बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं subway. My next word is lane. Lane क्या होती है? जब आप एक टोल टैक्स पे पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि आप यहाँ पे बहुत सारी लेन्स हैं. किस लेन में आपको अपनी गाड़ी लगानी है, तो उसको हम बोलते हैं लेन इन टोल, ऑन टोल टैक्स. My next word is sidewalk. Sidewalk को हम हिंदी में बोलते हैं एक रास्ता रोड पर जो पैदल यात्रियों को लिए होता है, उसे हम साइडवॉक बोलते हैं. Now I'm gonna teach you the types of roads. There are many types of roads, but I'll tell you a few. Bumpy road, एक रोड जिस पे बहुत सारे गड्ढे होते हैं और गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, उसे हम बोलते हैं बम्पी रोड. My next road is zigzag road. Zigzag road, एक road जो जिसमें बहुत सारे घुमाव होते हैं. आपने देखा है brush, brush में क्या होता है? Brush थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा नीचे होता है, थोड़ा ऊपर होता है, उसे भी तो हम zigzag बोलते हैं, zigzag. तो उसी प्रकार की road होती है, उसे हम, उस road को भी हम zigzag बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे घुमाव होते हैं. मेरा next road type है curve. एक road जिसमें बहुत सारे घुमाव होते हैं, जिसमें बहुत सारा घुमाव होता है रोड में, उसे हम कर्व रोड बोलते हैं. My next word is straight road. एक रोड जो बहुत ही सीधी है, जहां पे ना तो कोई zigzag है, ना ही कर्व है, ना ही बम्पी है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट रोड. वन वे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन वे? एक रोड जिसपे एक ही रास्ता जाता है, आने के लिए भी और जाने के लिए भी, उसे हम बोलते हैं वन वे. टू वे भी होता है, टू वेज या वे जिसको हम बोलते हैं, एक ऐसा रास्ता जिसपे जाने के लिए भी है डिफरेंट रास्ता और आने के लिए भी डिफरेंट रास्ता है, उसे हम बोलते हैं टू वे या फिर टू वेज. सो आज के लिए बस इतना ही. फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ. राउंड अबाउट, गोल चक्कर, इंटरसेक्शन जो कि चौराहा होता है, फ्रीवे जो कि एक ऐसा रास्ता जहां पे कोई रोड टैक्स नहीं लगता, सबवे, सबवे मींस एक ऐसा रास्ता जो भी किसी ब्रिज या फिर किसी के नीचे के से होकर जो रास्ता जाता है, उसे हम सबवे बोलते हैं. लेन, लेन का मतलब होता है एक गली या एक रास्ता जहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं, उनमें से हमें कोई एक चूज चुनना है, तो उसे हम बोलते हैं लेन. जैसे कि टोल टैक्स पे, टोल टैक्स पे बहुत सारी लेन होती हैं, एक फास्ट ट्रैक की लेन होती है और एक कुछ अलग नॉन फास्ट ट्रैक होती हैं, तो आपको कौन सी चूज करनी होती है, तो उसे हम बोलते हैं लेन. साइडवॉक, एक रास्ता जो पैदल यात्रियों के लिए होता है, उसे हम साइडवॉक बोलते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ रोड्स. बम्पी रोड, एक ऐसा रास्ता जिसपे बहुत सारे गड्ढे होते हैं. स्ट्रेट रोड, एक ऐसी रोड जो बहुत ही सीधी होती है. जिग जैग रोड, एक ऐसी रोड
जो बहुत ही घुमाव होता है उसमें, कर्व रोड, जिसका कर्व रोड जिसमें बहुत ही बड़ा घुमाव होता है उसे हम बोलते हैं कर्व रोड। वन वे, वन वे का मतलब होता है एक रोड जिसपे आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो दैट्स इट गाइस।